और दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल दिया स्टॉक्स में दिल से। चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर लो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। क्या दोस्तों, बात करने वाला हूँ हिंदुस्तान मोटर शेयर के बारे में। ये स्टॉक ने 1 महीने के अंदर 110% का रिटर्न दिया है। नेक्स्ट आगे स्टॉक का क्या रहेगा जानने का प्रयास करते हैं। राइट, वीडियो को लाइक पक्का करना, क्योंकि देखो आपको सिर्फ सीखने को नहीं मिलता, आपको रिटर्न भी कमाने को मिलती है। ठीक है, लेकिन एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, खुद की रिसर्च डेफिनेटली ऐड करना। अगर स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं आता है तो बेसिकली आपको कुछ नहीं है, बिगनर हो, ठीक है, अभी भी एंट्री करिए स्टॉक मार्केट में, तो क्या करो, सिंपली मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम, ट्विटर, या फिर आप मेल भी मुझे कर सकती हो, जो मुझे ट्विटर में मैसेज नहीं कर सकते। ठीक है, दैट मीन मेल करना। ठीक है, इससे होगा क्या, हर संडे जो मेरी प्राइवेट क्लास होती है वो क्लास के लिंक मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। और कंडीशन अप्लाई है, देखो अगर आपको मैं कुछ चीज़ फ्री में दूंगा तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से, और डायरेक्टली मैसेज करना है वीआर स्टॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे। हाई हेलो मत करना, वहाँ पर क्या करना, स्क्रीन शॉट मैसेज करना, तब मैं आपको अपने प्राइवेट क्लास के लिंक दूंगा। समझ आया ना, तो ये करना तब आपको मैं लिंक दे पाऊंगा। देखो एक स्टॉक है आपको दिखा देता हूँ ना, ये रहा, इसका नाम है हिंदुस्तान मोटर्स। अब स्टॉक में अपर सर्किट आपको देखने को मिल रहा है। बहुत लोग बोलेंगे सर जब स्टॉक का प्राइस पंप हो जाता है तब आप वीडियो बनाते हो, बहुत गलत फहमी के शिकार हो रहे हो आप लोग। क्योंकि देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो स्टॉक है आपका, इसका नाम है हिंदुस्तान मोटर्स। ये स्टॉक उस समय 8 रुपये ट्रेड किया करता था, 1 रुपये के स्टॉप लॉस से बाय करने के लिए बोला था। मैं ऐसे बाय करने की सलाह नहीं देता हूँ, खुद की रिसर्च ऐड कर लिया करो। ठीक है, ये मेरा जो भी व्यू होता है जनरल व्यू होता है। राइट, तो आप देखो ये स्टॉक 8.85 रुपये से आज 15 रुपये हो गया, मतलब पैसा डबल हो गया। ठीक है, तो यही होता है पेनी स्टॉक्स में। अगर आप ये पैसा रिलायंस सीसीएस या आपके केनार कंस्ट्रक्शन फिन पाइप में लगाते, मतलब लार्ज कैप स्टॉक्स में लगाते, तो आपका पैसा कछुए की चाल से बढ़ता। लेकिन अगर पेनी स्टॉक्स में लगाओगे तो भाई वो चीते की रफ्तार से भागेगा, मतलब डबल ट्रिपल भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है वहाँ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए आपको हमेशा अप्लाई करना है आपका रिस्क एपेटाइट, मतलब रिस्क प्रोफाइल, रिस्क मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है। ठीक है, और मनी मैनेजमेंट, मान लीजिए आपके आपके पास मात्र 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए है, तो उसका एक छोटा सा पोर्शन आपको इन्वेस्ट करना है किसी पेनी स्टॉक में। ठीक है, अगर आप एक ही पूरा का पूरा एक ही, जब मान लो 1 लाख रुपए आपने पूरे एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और वो अगले 10 साल तक स्टॉक चला नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, आप अंत में ये बोलोगे सर ये तो कुछ नहीं है, तो बेकार था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको उसको डाइवर्सिफाई करना है। पहले आपको सीखना है कि भैया रिटर्न कहाँ मिल रही है, किस सेक्टर को पैसा लगाने के बाद मैं कमा पा रहा हूँ। ठीक है, कि कोई कोई बंदा आपका फार्मा सेक्टर को अच्छा तरीके से जज कर लेता है, मतलब टिक कर लेता है, कोई आपका शुगर सेक्टर को कर लेता है। ठीक है, तो आपको सेक्टर भी ढूंढने पड़ेंगे, और ये आपको तभी सीख पाओगे जब आप पैसा लगाओगे, खोओगे और पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने किसी के कहने पर लगा दिया तो वैसे आपका पैसा नहीं बनने वाला, क्योंकि देखो आप कहने पर तो लगा दोगे लेकिन जब एग्जिट करना होगा ना तो आप शायद एग्जिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लालच के मारे बोलोगे अरे 15 रुपये का हो गया, अभी 1500 रुपये जाएगा, मैं इसको एग्जिट नहीं करूंगा, मैं तो 1500 रुपये के वेट करूंगा। और होता क्या है, वो 1500 रुपये छोड़ो, वो 1 रुपया आ जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है भैया कि प्राइस एक्शन क्या होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप डायरेक्टली रीच आउट करो, डेफिनेटली हेल्प करेंगे। हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, ठीक है, अभी तो फ्री है वो क्लासेस, लेकिन फ्यूचर में पेड होगी। ठीक है, तब आप हंस के उसको लोगे, क्योंकि आपको पता है ना। अगर बात करता हूँ स्टॉक के बारे में, तो आप देखो 15 रुपये ट्रेड कर रहा है, अब स्टॉक में आप क्या कर सकते हो, प्राइस एक्शन के माध्यम से बतलाऊंगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा कि जो आपको शायद समझ ना आ पाए। ठीक है, और साथ में जो ये आपको क्लिप दिख रही है ना, इसको एक बार सुन लेना, इसमें भी मैं आपको प्राइस एक्शन बताया था। इसमें आप बिफोर आफ्टर देखा होगा, आपने फिटनेस सीरीज जो होती है बिफोर आफ्टर, तो ये चार्ट की बिफोर आफ्टर देख लो, ये जो चार्ट था पहले ऐसे दिखता था, हमने इसमें आपको क्या बतलाया था। ठीक है, और आफ्टर अब आप क्या कर सकती हो, तो आपको से बहुत सीखने को मिलता है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि मार्केट बंद होने के बाद तो हर कोई गुरु बन जाता है, लेकिन भाई एक बात समझो कि उसको पहले आपको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा ना। ये थोड़ा ना कि मार्केट बंद होने के बाद अगर आपने चार्ट बता दे कि ये ऊपर जाएगा, तो उसमें आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, एनालिसिस करनी पड़ती है। ठीक है, उसमें रिसर्च और एनालिसिस करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो ये वीडियो अब चलेगा, इसको सुनो, सीखने को मिलेगा। लाइक पक्का करना, कॉमेंट पक्का करना कि अगला इसके ऊपर वीडियो बनाना है। और शाम को शायद ना कुछ पोर्टफोलियो स्टॉक वाले पैनी स्टॉक शेयर करने वाला हूँ, देखते हैं अगर टाइम मिलता तो करेंगे। अभी इसको सुनो, उसके बाद इसके एक बार प्रॉफिट चेकआउट कर लेते हैं, उसकी न्यूज़ क्या चल रही है वो एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। तो अब ये पुरानी क्लिप चलेगी, उसके बाद मैं अपनी कॉमेंट्री पास करूँगा। ठीक है, तो ये रही पुरानी क्लिप।
तो यार दोस्तों आप देख सकते हो हाई राइज का फैन बना रहा है और एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, यही चैनल में स्टॉक ने दोबारा सपोर्ट लिया है। एंड दोस्तों चाहो तो आप यही स्टॉप लॉस लगा सकते हो, मात्र ये वाला जो चैनल स्विंग है ये मात्र 50 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। अगर ये स्टॉप लॉस लगाओगे ये वाला तो ये 1 रुपये का होगा, तो मर्जी आपकी आप कौन सा स्टॉक में स्टॉप लॉस अप्लाई करना चाहते हो। मेरे हिसाब से 1 रुपये का स्टॉप लॉस इनफ होगा और आप कम से कम 4 रुपये का टारगेट के लिए स्टॉक में इंतजार कर सकते हो। मतलब पहले अगर आप चाहो तो 10 में प्रॉफिट बुक कर लेना 1:2 में, उसके बाद आप चाहो तो ट्रेल कर लेना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के आप 12 रुपये 13 रुपये के टारगेट के लिए इंतजार कर सकते हो। साथ में स्टॉक का RSI भी 60 के आसपास है, जो संकेत दे रहा है कि स्टॉक में डेफिनेटली फ्यूचर में मतलब आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है, साथ में वॉल्यूम भी आपका बढ़ रहा है। तो ये कुछ संकेत स्टॉक के चार्ट में और फाइनेंशियल दोनों से हमें संकेत मिल रहे हैं कि स्टॉक में कुछ बड़ा हो सकता है आने वाले दिनों में, तो डेफिनेटली आप स्टॉक को नज़रों में रख सकते हो मात्र 8 रुपये का इस डेट फ्री पैनी स्टॉक को 1 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर अगर आपको कुछ पसंद लाइक कर देना, शेयर कर देना, फेसबुक ट्विटर लेकिन व्हाट्सअप जैसे आपको पता है हर संडे मेरी प्राइवेट क्लास होती है, अगर आपको उसमें आना है तो बहुत सिंपल है बॉस, वीडियो को शेयर कर दो। VR स्टॉक्स करके हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ मुझे मैसेज कर देना अगर आप वीडियो को शेयर करते हो, स्क्रीनशॉट के साथ करना ताकि मैं आपको क्लासेस के लिंक्स प्रोवाइड करवा सकूं उधर, ठीक है। उन्हीं लोगों को लिंक्स मिलते हैं जो शेयर करते हैं वीडियो और मैसेज करते हैं हमें, तो आप भी प्लीज़ ये काम बिल्कुल करना अगर आप हमारे वीडियोस को शेयर करते हो, लेकिन आपको हमारी प्राइवेट क्लास कभी आपने ज्वाइन नहीं करी है, तो आ जाओ साथ में सीखेंगे साथ में ग्रो करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड नाइट। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया हिंदुस्तान मोटर्स, नाम से पता चल रहा होगा ये जो कार्स होती है उनके पार्ट बनने का कामकाज करती है, राइट। बहुत पुरानी कंपनी है, राइट। इसका एक जमाने में स्टॉक का प्राइस देख सकते हो कहाँ ट्रेड किया करता था, 2008 के आसपास ऑलमोस्ट 90 रुपये, लेकिन आज स्टॉक का प्राइस जमीन चाट रहा है, 3 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब 3 रुपये का सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो देखो यही होती है अपॉर्चुनिटी, जिसको पता होता है ना कि कहाँ स्टॉक में एंट्री करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है, मतलब बन सकती है, तो आपको वहीं पैसा लगाना है। अगर देखो कोई स्टॉक आपका पंप हो रहा है, जैसे ये स्टॉक अभी पंप हो रहा है 15 रुपये हो चुका है, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, यहाँ पर स्टॉक को एग्जिट किया जाता है और बहुत लोग शायद उसको बाय करते हैं यहाँ पर, और बाद में वही लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं सर हमने स्टॉक को 16 रुपये बाय किया था। अरे भाई 16 रुपये बाय करने की चीज़ नहीं थी, हो बात को समझो, आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट समझना पड़ेगा। जब स्टॉक एक मूवमेंट में ना हो ना, एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो, जब रुका हुआ थमा हुआ हो तब उसको पकड़ो, जब उस वक्त भाग रहा है जब उसको पकड़ोगे तो भैया लॉस ही होने वाला है, ठीक है। एक दो बार तुक्का लग जाएगा लेकिन हर बार तुक्का नहीं लगेगा, ठीक है। अगर बात करते क्वार्टर रिजल्ट्स की, देखो आपके सामने सेल्स बिल्कुल नील है, 0 है, फिर भी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि पैनी स्टॉक है और बहुत सारे पैनी स्टॉक में होता क्या है, देखो बहुत सिंपल है, जब कोई बड़ा हाथी भागता है ना उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं, तो ये वाली बात है कि ये जो बड़े स्टॉक लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं जब उनमें रैली आना स्टार्ट होती है ना, उनमें अगर मान लो 5% 10% की तेजी आती है, सेक्टर वाइज की बात कर रहा हूँ, तो जो पैनी स्टॉक्स होते हैं उसको कैचअप रैली करते हैं, उसको फॉलोअप करते हैं, और जो होता क्या है जब बड़ा पैसा आता है, क्योंकि तो पैनी स्टॉक में आपको पता है करोड़ों क्वांटिटी की होती है, छोटा पैनी स्टॉक है, जब ऑपरेटर एंट्री करता है तो वो स्टॉक का प्राइस मतलब 15 रुपये से 30 रुपये हो जाता है, लेकिन जो लार्ज कैप स्टॉक होगा वो 300 से 600 रुपये नहीं हो सकता, उसको होने में 2-3 साल लग जाएगा, लेकिन पैनी स्टॉक हो जाता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि पैनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, हर जगह इन्वेस्टमेंट करो, ताकि जिन वाला उनके पोर्टफोलियो जाकर चेकआउट करना, उनके पास कोई लार्ज कैप स्टॉक नहीं है, टाटा मोटर्स बाय किया उन्होंने 100 रुपये के आसपास और आज 400 रुपये चल रहा है, ठीक है। उन्होंने रिलायंस भी नहीं बाय किया, सोचना जा रहा है इसके बारे में, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, देखो आपके सामने हर साल कंपनी आपको प्रॉफिट दे रही है, लास्ट 2 सालों में, उससे पहले लॉस था, ठीक है। नीचे लेके चलता हूँ, बैलेंस शीट देखो, रिजर्व कंपनी के नेगेटिव हो चुके और डेट कंपनी का मात्र छोटा सा डेट है 17 करोड़ के आसपास का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, 32% के आसपास की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, मतलब अभी भी प्रमोटर्स का फेथ है कि भाई फ्यूचर में स्टॉक का कुछ हो सकता है, इसलिए उन्होंने अभी तक होल्ड करा हुआ है, ठीक है। प्लेज होल्डिंग मेरे ख्याल से है इसमें नहीं है प्लेज होल्डिंग, ठीक है, मतलब 1 रुपये का शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ है, और यही एक अच्छा पॉइंट होता है पैनी स्टॉक में, आपको सिर्फ एक लॉजिक अप्लाई करना है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है डेफिनेटली ऊपर जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है चार्ट पैटर्न को अप्लाई करना है, चार्ट को देख के इन्वेस्टमेंट करो, अभी आपको दिखाता हूँ चार्ट को देख के इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। और DIS की होल्डिंग कितनी है, 1.32% के आसपास, पब्लिक की होल्डिंग 66% के आसपास है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट लास्ट 2 क्वार्टर में अच्छा है, तो इसके वजह से हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस पंप हो रहा हो, और साथ में BSE और NSE में
ठीक है, उन्होंने पूछा है, एनएससी सेबी ने पूछा कि भाई ये स्टॉक का प्राइस पंप क्यों हो रहा है। अब इनकी तरफ से जवाब आने वाला, देखो क्या आता है। ठीक है, आप देख सकते हो, एरी 14 अक्टूबर को इनसे पूछा गया, जवाब मांगा गया कि ये जो इसमें रैली आ रही है स्टॉक के प्राइस में क्यों आ रही है। तो आप पता चल जाएगा आपको, जब भी ये न्यूज अपडेट आएगा ये डेफिनेटली यहाँ अपडेट करेंगे। तो आप अगर चाहो तो यहाँ पढ़ सकते हो कि ये तेजी क्यों आ रही है, क्या पता कुछ बड़ा होने वाला हो। ठीक है, तो डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, बीएससी की साइट में आपको दिख जाएगा अगर आपके पास ये स्टॉक है। मेरे पास पर्सनली स्टॉक नहीं है तो मैं तो चेकआउट नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आपके पास है प्लीज आप करना। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इसका मंथली चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, और आप क्लियरली देख सकते हो, बिफोर आफ्टर आपने वीडियो देख लिया, अभी आफ्टर है। ठीक है, मतलब अब आप फ्यूचर में क्या कर सकते हो। आपको मैंने लास्ट वीडियो बताया था, स्टॉक लगातार हाई राइज का पैटर्न बना रहा है, इट्स टेकिंग अ सपोर्ट ऑन द ट्रेंड लाइन। लगातार 3 सपोर्ट लिए और तीसरी सपोर्ट लेते स्टॉक में पंप आ गया, मतलब डबल हो गया। ठीक है, रुका नहीं है, देखो रुको, अब ये कहाँ जाकर रुकेगा। मेरे हिसाब से जो मेरी गणित कहती है, एज पर माई स्ट्रेटजी, एज पर माई प्राइस एक्शन नॉलेज, ये स्टॉक जाके रुकेगा एटलीस्ट यहाँ जो निकल के आता है 22 रुपए। 22 रुपए से पहले मुझे नहीं लगता ये स्टॉक थमने वाला है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो 21 रुपए 22 रुपए में प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। ठीक है, अभी भी कर लो। ठीक है, जिस हिसाब से स्टॉक का चार्ट ऊपर जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब सीधा ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग करते रहो हर लेवल्स में, जब भी आपको मौका मिले बुक सम गेन। ठीक है, और 22 रुपए स्टॉक का लास्ट टारगेट हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो स्टॉक का रजिस्ट्रेशन एरिया है मंथली चार्ट में। तो 22 रुपए इसका एंड गेम है, राइट। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ऐसे वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। और इस संडे की प्राइवेट क्लास को अगर आपको लिंक चाहिए तो मेक श्योर मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट के साथ करना, ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूँ। अदरवाइज गुड बाय।